मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने द्विबीजपत्री स्तंभ की आंतरिक संरचना के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम की जो संरचना नजर आ रही है उस संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमने सूरजमुखी के पौधे को के स्तंभ की अनुप्रस्थ काट आपके सामने दिखाई गई है। इसमें सबसे जो बाहर का जो आउटर एरिया है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, बाहरी त्वचा जो डायग्राम में यहाँ नजर आ रही है। दूसरा है हाइपोडर्मिस अदस्य त्वचा, हाइपोडर्मिस अदस्य त्वचा। तीसरा है कॉर्टेक्स वल्कुट, कॉर्टेक्स वल्कुट। चौथा है एंडोडर्मिस अदस्य त्वचा, एंडोडर्मिस अदस्य त्वचा। तीसरा है पेरिसाइकिल परिरंभ, परिरंभ के बारे में बताया गया है। छठा है रीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल्स जो आपको डायग्राम में येलो कलर से प्रदर्शित हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है अंत में है पिथ मज्जा, जो आपको मध्य में नजर आ रही है उसको हम मज्जा कहेंगे। ये इसका एक साइड का डायग्राम का एक टुकड़ा लेके इस चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी एक एक लेयर एक एक के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है इसका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बाहरी त्वचा है जो एक कोशिकीय परत होती है, होती है तथा इसके अंतरा कोशिकीय स्थल नहीं होते हैं। कोशिकाएं जो है एपिडर्मिस की वो आयताकार होती है। इसके अलावा इसके क्यूटिकल उपत्वचा भी उपस्थित होती है, इसमें रंध्र और बहुकोशिकीय रोम भी उपस्थित हैं जो आपको डायग्राम में दर्शाए गए हैं। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस से स्थूल कोणीय उत्तकों से बनी हुई एक सतह है, लेयर है। इसमें हरित लवक और कोणीय स्थूल उत्तक पाए जाते हैं तथा अंतराकोशिकीय स्थल इसमें नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है वल्कुट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के मध्य में मर्दुल कोशिकाओं से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जो गोलाकार कोशिकाओं से बनी है। इनमें अंतराकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। इसमें म्यूसीलेज या श्लेष्मा नलिकाएं पाई जाती है जो जल तथा खाद्य पदार्थों का संचयन करती है। इसके बाद में चौथा है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस अंतस्थ त्वचा है जो एक कोशिकीय दोलाकार संरचना वाली कोशिकाएं हैं। इसमें और इसमें कैस्पियन पट्टियां स्पष्ट होती हैं। इसमें स्टार्च कण उपस्थित होने के कारण मांड आच्छद रूपमा संरचना बनाते हैं। इसके बाद पेरियम, परिरंभ की बात करें, परिरंभ पेरिसाइकिल ये एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के बीच की संरचना है जो विषमांगी प्रकृति होती है तथा संवन पुलों के बाहर ये दड़ोत्तक के रूप में होती है। इसके बाद इसमें संवनी पुल क्षेत्र में हार्ड ब्लास्ट संरचना पाई जाती है। छठा है रीजनल रीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल सेवन उत्तक सेवन पूल है। सेवन पूल एक वलय के रूप में उपस्थित होते हैं जो डाइकोट स्ट्रिम में संयुक्त संपार्श्विक
अंत आदि दारुक तथा वर्दी ओपन टाइप के होते हैं। सेवन पूल बाहर की ओर फ्लोम से फ्लोम तथा मध्य में पुलिये एधा पुलिये कैम्बियम होता है तथा अंदर के साइड इसमें जाइलम होता है। फ्लोयम में चालनी नलिकाएं से कोशिकाएं फ्लोयम रेसे तथा फ्लोयम मर्दोत्तक आदि पाए जाते हैं। जाइलम में वाहिकाएं वाहिनिकाएं जाइलम रेसेस जाइलम मर्दोत्तक आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा पुलीय एदा है जो जाइलम फ्लोयम के बीच में होती है जो दो तीन स्तरीय आयताकार कोशिकाएं हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीय वृद्धि में काम आती है। अंतिम है पिथ या मज्जा है। मज्जा मर्दोत्तकीय कोशिकाओं से बनी हुई संरचना है जो अंतराकोशिकीय स्थल इसमें उपस्थित होते हैं। मज्जा पूर्णतः विकसित होती है तथा खाद्य पदार्थों का संग्रह इसमें किया जाता है। संवन पूल इसमें मज्जा रश्मियां भी संवन पूल के मध्य इसमें मज्जा रश्मियां भी उपस्थित होती है। आज हमने एक डाइकोट स्ट्रीम की संरचना के बारे में अध्ययन किया है। इसको एक बार ब्रीफ में हम फिर देख लेते हैं। बाहर की ओर एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस,